जिंदगी में वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन जिंदगी में वो लोग महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था समाकलन। समाकलन वो भी किससे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, प्रश्नावली 10A और पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 6, किससे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो और ऊपर इंडेक्स में लिखा भी है सभी के लिए, निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। पार्ट दिया गया ए पार्ट 1/5 + 2 - 3x2। आंसर माना आई बराबर 1/5 + 2 - 3x2 dx। तो ये आपको सूत्र किस टाइप का लग रहा है? 1/1 + x2। तो यहाँ आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा 1? 1/5, 5 तो कॉमन ले लिए, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बन गया? 1 + 2 - 3x/, उसी रूप में बना दें इसे, whole square dx, 1/1 + x2। अब x की जगह पूरा ये रखा है, इसे मान लिया, माना 2 - 3x/√5 = t, 2 - 3x√5t, इसका तो 0 हो जाएगा। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, 3x का कितना होगा dx, रूट फाइव इसका कितना होगा dt, dx का मान आएगा -√5/3 dt। i बराबर 1/5 कोष्टक 1/1 + इसे पूरे को क्या मान लिया t, तो t² हो गया। dx का मान कितना है? -√5/3 dt। जो कट जाए वो काट दो, माइनस चिन्ह आगे आ गया, 1/1 इनसे ये कट जाएंगे, तो 3√5 लिख दिया। ओके, 1/1 + t² dt। अब इसका समाकलन आप अच्छे से जानते हैं, 1/1 + x² किसका होता है? टेन इनवर्स एक्स का। ऐसे ही ये किसका बनेगा? टेन इनवर्स t + c -1/3√5 टेन इनवर्स टी की वैल्यू जो भी है 2 - 3x/√5 + c। और आंसर ये आंसर आपको प्राप्त हो गया। ऐसे ही देखते हैं और भी क्या है, इसी का है एक और बी पार्ट 1/b² + a² x² आंसर i = (1/b² + a² x² dx। तो 1/1 + x² 1/1 + x² सूत्र की हमें आवश्यकता न पड़े, मूल रूप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल रूप में जाएंगे तो यहाँ b नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो b² ले लिया कॉमन, जब कॉमन ले लिया यहाँ बन गया 1, और इसे इस सिस्टम के अंतर्गत लिख दिया dx। तो माना ax / b = t, dx = क्या मिल जाएगा? b/a dt। 1/b² (1+t² और dx का मान है b/a dt। तो एक b तो कैंसिल हो गई, क्या मिला? 1/ab 1/1 +
टी स्क्वायर डी टी वन अपॉन ए बी, ये सूत्र किसका रखा है, टेन इनवर्स टी प्लस सी का, वन अपॉन ए बी टेन इनवर्स टी की वैल्यू ए एक्स अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, समझ आया होगा, मूल रूप में लेके जा रहे हैं। अगर मूल रूप आपको नहीं चाहिए, मतलब वैसे ही सूत्र और सूत्र भी याद कर सकते हो, जो तीन सूत्र अभी बताए, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिनके डायरेक्ट आप सूत्र जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स बटे ए, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए, वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बटे ए, अगर इस तरीके से जानते हो तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन ए पार्ट दिया है, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस कॉस, आगे और लिखा है यहाँ एम, यहाँ आगे लिखा है एन पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक, पूरा एक ही है क्वेश्चन। आइए देखते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एम पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस कॉस एन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अलग अलग करेंगे क्या मिलेगा, साइन एम पाई बाई टू प्लस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ये एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, दोनों को अलग अलग मान के सॉल्व करना है, तो इसे देखते हैं। लेट एम पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू टी, तो एम डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स का मान आ जाएगा डी टी बटे में एम, पाई बाई टू का तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ एन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू टी डैश माइनस एन डी एक्स इक्वल टू डी टी डैश, डी एक्स का मान आएगा माइनस डी टी डैश बटे में एन। तो ये कितना बन के तैयार होगा, साइन टी डी टी बटे एम प्लस कॉस टी डैश माइनस डी टी डैश बटे एन। वन अपॉन एम कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, साइन टी का कितना होता है माइनस के कॉस टी, माइनस चिन्ह आगे कर लिया, वन अपॉन एन कॉस टी का क्या होता है साइन टी डैश प्लस सी, इसकी आप वैल्यू रख सकते हैं, वन अपॉन एम कॉस टी का मान एम पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एन साइन एन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, और ये रहा उसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8। ए पार्ट में लिखा है साइन 3x, आप आंसर देखेंगे उसका, माना i बराबर साइन 3x dx, तो ये उसका एंगल है, कोष्ठक मिल गया वहीं पर, x की जगह क्या रखा है 3x लिखा है। अब दो तरीके से पहचान सकते हो, या तो इस तरीके से कि x की जगह क्या है, x की जगह क्या है 3x, माना 3x बराबर t, तो डी एक्स का मान ये तीन बटे में जाएंगे डी टी बटे तीन। आई बराबर साइन टी
डी टी अपॉन थ्री आई बराबर वन अपॉन थ्री साइन टी डी टी वन अपॉन थ्री कितना हो गया माइनस के कॉस टी प्लस सी माइनस वन अपॉन थ्री कॉस टी की वैल्यू रख दी थ्री एक्स प्लस सी और ये रहा उसका उत्तर। नेक्स्ट और पार्ट देखते हैं कॉस फोर एक्स प्लस फाइव बी पार्ट कॉस फोर एक्स प्लस फाइव आंसर आई बराबर कॉस फोर एक्स प्लस फाइव डी एक्स माना फोर एक्स प्लस फाइव बराबर टी फोर एक्स का डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर डी टी बटे में चार आई बराबर क्या इसकी जगह रख दें टी और इसका मान आप समझते हैं डी टी बटे में चार एक बटे चार आगे आ जाएगा और कितना कॉस टी डी टी कॉस टी का समाकलन कितना होता है साइन टी प्लस सी वन अपॉन फोर साइन टी का मान रखा है फोर एक्स प्लस फाइव प्लस सी दैट इज योर आंसर। अगर कोई डाउट हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए कॉस फोर एक्स प्लस फाइव का हमें समाकलन करना है किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। जब एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया ये एस का विकृत रूप है एस बनाते हैं उसी का विकृत रूप बन के समाकलन का चिन्ह बना है। लास्ट में डी एक्स क्यों लिखा है क्योंकि एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है तो कॉस एक्स का जानते हैं और एक्स की जगह रखा गया है फोर एक्स प्लस फाइव तो फोर एक्स प्लस फाइव मान लिया मान लिया मानने के बाद इसका ये आया तो टी माना इसे इसका मान ये कॉस टी का जानते ही कितना होता है साइन टी। क्वेश्चन नंबर नाइन इंटीग्रेशन रूट वन प्लस साइन एक्स वाई टू डी एक्स। अब यहाँ तो कन्फर्म है इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा है लास्ट में डी एक्स लिखा है मतलब एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है इतना दिया गया है तो माना आई बराबर आंसर देखिए माना आई बराबर इंटीग्रेशन वन प्लस साइन एक्स वाई टू डी एक्स इंटीग्रेशन रूट कॉस स्क्वायर एक्स बटे चार इसका हाफ एंगल आधे का और भाग लगेगा साइन स्क्वायर एक्स बटे चार प्लस टू साइन एक्स बटे चार इंटू में कॉस एक्स बटे चार और बाहर क्या है डी एक्स रूट ये टोटल बन गया क्या बना कॉस एक्स बटे चार प्लस साइन एक्स बटे चार होल स्क्वायर लास्ट में डी एक्स रूट भी ख़त्म हो जाएगा और वर्ग भी ख़त्म हो जाएगा तो कॉस एक्स बटे चार इंटू साइन एक्स बटे चार डी एक्स कॉस एक्स बटे चार डी एक्स प्लस साइन एक्स बटे चार डी एक्स माना एक्स बटे चार बराबर टी डी एक्स बराबर फोर डी टी तो कितना होगा कॉस टी इंटू में फोर डी टी प्लस साइन टी इंटू में फोर डी टी चार तो आ गए बाहर कॉस का कितना हो जाएगा साइन टी इसमें भी चार आ गए बाहर साइन का क्या हो जाएगा माइनस के कॉस टी प्लस सी चार चाहें तो बिल्कुल कॉमन लेके बाहर कर दिए साइन इसका मान कितना एक्स बटे चार माइनस कॉस इसका भी मान कितना एक्स बटे चार प्लस सी और आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कॉस क्यूब एक्स
कॉस क्यूब एक्स। आंसर आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी, आप सिंगल घात वालों का सभी का जानते हैं, डबल घातों में सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, क्यू में किसी का नहीं जानते। तो क्यू की वैल्यू प्राप्त करने के लिए सूत्र लगाना है कहाँ से, कॉस थ्री एक्स बराबर फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस के थ्री कॉस एक्स। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स इक्वल टू फोर कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ से कॉस क्यूब एक्स का मान निकल के आएगा वन अपॉन फोर कोष्टक कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। तो ये वैल्यू पुट करनी है किसकी जगह, कॉस क्यूब एक्स की जगह वन अपॉन फोर कॉस थ्री एक्स माइनस के थ्री कॉस एक्स डी एक्स, वन अपॉन फोर कॉस थ्री एक्स डी एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स डी एक्स। कितना होगा, सभी का समाकलन आप कर लीजिए, तो इसका कितना होगा साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस थ्री कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस सी। ये थ्री एक्स मानेंगे तो तीन बटे में भी आएंगे, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार और भी प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।